आज कोई प्रॉपर ऐसा व्लॉग नहीं है, तो आज मैं सोचा था यार, बड़े दिनों से ना मैं जब से मतलब मुंबई गया हूँ दिल्ली से, तब से बाइक मैंने चलाई नहीं है। और जब से आया हूँ यहाँ पे 3-4 दिन हो गए मेरे को, पर बाइक चला नहीं पा रहा हूँ। बाइक चला के अब देख भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो अब मैं उसको उठाना नहीं चाहता कवर को, ताकि और गंदगी उस पर धूल वूल लगे। क्योंकि मैंने पापा ने बोला भी 4-5 दिन पहले उसको धुलवा के खड़ी करवाई थी, क्योंकि बाइक 4-5 दिन में चालू होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी बिल्कुल ही। पापा बोल रहे थे हफ्ते में 1-2 बार चाबी घुमाई देते हैं, क्योंकि चलाने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि मैं ही चलाता था यहाँ पे, और कोई उसको चलाता नहीं है, तो इतने दिनों से खड़ी है। तो आज एक बार उसको देखता हूँ यार कि कैसी कंडीशन है उसकी, साफ होनी चाहिए होप, नहीं तो यार बहुत मेहनत लगने वाली है। एक बार साफ होगी भी तो भी मेरे को एक बार वॉश करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने हिसाब से धोनी पड़ेगी कहाँ कहाँ। देखो यार, क्योंकि बाइक का ख्याल रखना चाहिए यार, और बाइक हो जैसी मीटियोर का तो ख्याल रखो यार। मीटियोर बहुत मस्त बाइक है, मैं ब्लैक में दिखाता हूँ मैं आपको अभी नीचे जाके, चलो दिखाता हूँ फिर। तो यार पार्किंग का तो ऐसा हाल हो रखा है, और ये मैंने बाइक पे से कवर उतार दिया भाई, तो साफ निकली है यार। सही बोल रहे थे, साफ़ सफाई करवाई थी, बस टायर वायर थोड़ा सा यहाँ पे गंदगी है, वो मैं साफ़ करूँगा यार। एक बार काम हो जाए घर का ख़त्म, तो इसको धोना है ढंग से। ये अपनी बाइक है मीटियोर 350, थोड़ी चीज़ें से मैंने मॉडिफाइड भी कराई थी, मॉडिफाई है इसमें देखो। कुछ भी कहो यार, ये बाइक मुझे बहुत मस्त लगती है, मतलब जिसके लिए मैंने 3 महीने वेट किया था इसके लिए, वेटिंग के लिए। बाकी बाइक क्लासिक थी मेरे पास पहले, क्लासिक के बाद मैंने ये ली। इसका इंडिकेटर भी थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है यार, खड़े खड़े यार इस कैसी हो रही है बाइक की, पर आज भी भाई शाइनिंग वैसी ही है। एक इस पर पूरी एक बार वीडियो बनाऊंगा ढंग से, एक तो रिव्यू देना है इसका, 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू, बाइक कैसी चलती है, क्या बढ़िया इसकी परसेंटेज है, क्या हर चीज़ में कैसी परफॉर्मेंस है इसकी, वो भी देना है। लग रही है ना बाइक मस्त एकदम, इसकी चाबी भी नहीं मिल रही है यार, इतना सामान इधर से उधर फैला हुआ है ना, हैंडल लॉक है। एक बार चाबी वाबी मिले इसकी तो मज़ा आए यार, चाबी भी खो गई बताओ यार, इतने दिनों में बाहर क्या रहा है, हमारी बाइक का कोई ख्याल, इतना ख्याल ही नहीं रख रहा, कोई चला ही नहीं रहा इतना। देखो तो कल ये परसों अपनी बाइक को चालू करके देखते हैं, और देखते हैं क्या कैसी चल रही है अभी तक। वैसे इसकी चाबी ढूंढनी है, सुबह उठ के चाबी भी ढूंढूंगा, चाबी मिलते ही एक बार इसको ढंग से चला के देखना है कि क्या है, कुछ इंजन विंजन में कुछ कमी है, सर्विस की कुछ दिक्कत तो नहीं है। वैसे मैं सर्विस करवा के गया था जब यहाँ से गया था, पर फिर भी खड़ी हो गई, एक बार फिर भी लेके जाऊँगा, देखूंगा कोई चेन वेन पर थोड़ा सा ग्रीसिंग वगैरह हो जाए तो अच्छी हो जाएगी। बाकी उसमें उस वीडियो में अगली वाली में सब बताऊँगा बाइक के बारे में।